कंगना रनावत जो अपने मूवीज से ज़्यादा अपने कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती हैं, फ़िलहाल ही में उन्होंने अपने एक सॉन्ग लॉन्च में दोबारा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो अभी उनकी आने वाली मूवी है जजमेंटल है क्या, उसका एक सॉन्ग लॉन्च था, उन्होंने उसमें दोबारा ये हरकत की और उन्होंने क्या क्या बोला और क्या क्या बातें हुई, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ मनीष कपूर और आप देख रहे हैं इन खबर। बात करें अगर कंगना रनौत की, वो तो बता दूं आपको कि अभी उनका एक हाल ही में मूवी आने वाला है जजमेंटल है क्या, जो 26 जुलाई को रिलीज़ होगा, और इसका एक सॉन्ग लॉन्च था जिसमें उन्होंने एक जर्नलिस्ट से बहस की। आपको बता दें कि पिछली जो उनकी मूवी आई थी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज क्रिएट की थी, और इस बार भी उनकी मूवी जो आने वाली है तो उससे पहले उन्होंने कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं, और उसमें क्या हुआ क्या नहीं चलिए बताते हैं आपको। जिस जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया था, उन्होंने उनसे उसका जवाब ना देते हुए उल्टा सवाल खड़ा कर दिया कि आपने मेरी मूवीज़ जो पिछले मूवी आई थी मणिकर्णिका, उसको लेके आपने नेगेटिव कमेंट्स क्यों दिए, आप मेरे बारे में क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि मैं मतलब एक पेट्रियाटिक इंसान हूँ, अगर मैंने वो मूवी बनाई है तो मैंने उसमें क्या गलत कर दिया। सिंपल सी बात है, अगर आप उस मूवी में उस रोल का उसका उस कैरेक्टर का किरदार निभा रहे हैं तो आपको तो वही बोला जाएगा ना, और यहीं कंगना रनौत इस चीज़ को लेके नेगेटिव हो रही हैं और कह रही हैं कि आप लोग मेरी मूवीज़ को हमेशा नेगेटिव कमेंट्स देते हो, हमेशा नेगेटिव दिखाते हो। और ये कहीं ना कहीं अगर कोई भी इंसान है वो अपना रिव्यू, वो उसका एक हक है कि वो कुछ भी उस मूवी को लेके बोल सकता है, क्योंकि आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते कि आप वही बोलो, और कंगना हमेशा ऐसा ही करती हैं और करती आई हैं। दूसरी तरफ अगर जर्नलिस्ट ने उसको नकारा, उन्होंने मना किया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसके बाद उन्होंने उस पर दोबारा ब्लेम लगाया कि आप हमेशा मुझे टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, और इस बात का भी उस जर्नलिस्ट ने मना किया कि नहीं मैंने आपको कभी टेक्स्ट नहीं किया है, और अगर किया है तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करो, जिस पर उन्होंने दोबारा से उस चीज़ को मना कर दिया। मतलब जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए था, जहाँ उन्होंने जवाब ना देते हुए उल्टा क्वेश्चंस किए। तो अभी तक तो यही न्यूज़ थी जो भी हमें मिली, जो पता चली, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ इन खबर में। मैं हूँ मनीष कपूर, धन्यवाद, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, जाते जाते इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।